बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, अभी हम एफएससी पार्ट वन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको हमने फैक्टराइज करना है। ये आपने एलजेब्रा में भी यही वाली स्टेटमेंट पढ़ी होगी, फैक्टराइज करना। तो इन क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, लेकिन इससे पहले एक फार्मूला के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जब से आप अलजेब्रा जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। वो फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसके बारे में पता है कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है जी। यानी अगर हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो हम उसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि हमें आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू का भी पता है, जो कि माइनस वन होती है, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है जी। यहां पे फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें बेटा जी, हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर है। प्लस वाला तो हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा अभी तक। इसको पहले माइनस में चेंज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये 4 जो है ये 2 का स्क्वेयर है और b स्क्वेयर जो है ये b का स्क्वेयर है। तो इसका मतलब जब हम इसको माइनस में चेंज कर लेंगे तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। माइनस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर, प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं माइनस वन। यानी यहाँ माइनस वन जो है ये इस वैल्यू के साथ आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 4b स्क्वेयर। यानी हमने यहाँ क्या किया है कि ये जो माइनस इधर से आप कह लें कि कॉमन ले लिया इस वैल्यू में से, तो इसलिए उसका साइन चेंज हो गया। यहाँ माइनस लिखा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यानी माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे फिर, ए स्क्वेयर माइनस ये 4b स्क्वेयर है और माइनस वन के बारे में हमें पता है कि ये आयोटा स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे अब 4b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। अब देखिए, हमारे पास जो फार्मूला था वो कंडीशन पूरी हो रही है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर भी है और दरमियान में माइनस होना चाहिए और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अभी हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर विच इज ए स्क्वेयर माइनस 2b आयोटा स्क्वेयर सेकेंड वैल्यू का स्क्वेयर। अब जस्ट इसको हमने ओपन करना है इस तरीके से कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें, इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है 9a स्क्वेयर प्लस 16b स्क्वेयर, ठीक हो गया जी। इसको हम लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में 9a स्क्वेयर माइनस, यहां एक स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, यहां माइनस लिखें और यहां लिखें 16b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। यानी ये वाला स्टेप मैंने अब इस वाले पार्ट में स्किप कर दिया। आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने आयोटा स्क्वेयर लिखा इसका मतलब कि जिस वैल्यू के साथ हमने आयोटा स्क्वेयर लिखना है खुद से, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी वो वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वेयर माइनस 4b आयोटा इसका होल स्क्वेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 4b आयोटा एंड 3a माइनस 4b आयोटा। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, ठीक है जी। इसको यहाँ पे राइट कर देते हैं कि ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रही है ना वैल्यू, वो है 3। तो 3 को हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। 3 आ गया हमारे पास कॉमन, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर का मतलब ये एक्स का स्क्वेयर है और ये आ जाएगा वाई आयोटा का होल स्क्वेयर। इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई आयोटा
और x माइनस y आयोटा, यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। और इसके साथ ही हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। इस सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका आगे कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दिया करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।